तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएडी की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेकेपी को लेके, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में न्यू रिक्रूटमेंट जो अभी आने वाली है। अभी क्या किया गया है, JKSSB ने उसको विदड्रा कर दी गई हैं पोस्टें। टोटल 6000 पोस्टों को विदड्रा कर दिया गया है, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर की, उसके बाद जूनियर इंजीनियर की, नायब तहसीलदार की और JKP कांस्टेबल की वैकेंसी जो रेफ़र की थी JKSSB को, उसको JKSSB ने विदड्रॉ कर दिया गया है, क्योंकि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें लागू होनी है। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो आई हुई है उसके बेस पे ही अब वैकेंसीज फिल होंगी और उसी के अकॉर्डिंग जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं वो JKSSB को रेफ़र करेंगे। लेकिन जहाँ पर हम बात करें जो रिजर्वेशन है SPO और वॉलेंट्री होम गार्ड को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एक्सटेंड की है, 15% जो अवेलेबल है SPO और 4% वॉलेंटियरी होम गार्ड की रहेगी। और क्या प्रोवाइड किया जाता है, जो रूल 1876 है, जो अपर एज लिमिट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज कांस्टेबल वो 40 रहेगी इन केस ऑफ SPO, और वॉलेंटरी होम गार्ड की मिनिमम 3 साल की एंगेजमेंट भी होनी चाहिए, तभी आपको जे कोटा जहां पे देखने को मिलेगा SPO और होम गार्ड को। तो JKP की रिक्रूटमेंट आपकी अभी जो रिजर्वेशन रूल को न्यू करने के बाद जो डिपार्टमेंट रेफर करेंगे JKSSB को, उसके बाद ये फाइनलाइज की जाएगी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सभी के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।